एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। साक्षी भाव से दृष्टा बनके प्राणों के संस्पर्श को भीतर तक गहरा अनुभव करो। कुछ नहीं करना, खाली बस सांसों को देखना। और ये श्वास जो चला रहा है उसको महसूस करना। ये अपने आप तो नहीं चल रहे, तुम सोचते हो कि तुम खुद चला रहे हो। नहीं मेरे भाई, जीवन की डोर किसी और के हाथ में है। वो प्राणाधार परमेश्वर ही इन सांसों को चला रहा है। जब उसका आमंत्रण आ जाता है, उसका वारंट आ जाता है, कोई नहीं रह पाता इस शरीर में। कितना ही बड़ा बलवान, कितने ही बड़ा धनवान, कोई कितना ही बड़ा हो, सम्राट हो या परिव्राट, श्वासों को गति तो कोई और दे रहा है। न तुम अपनी इच्छा से दुनिया में आए और न अपनी मर्जी से दुनिया से जाना चाहते हो। कोई ताकत है जो तुम्हें जीवित रखती है, उसी का नाम है भगवान ब्रह्म ओंकार। वो एक शक्ति है, एक एनर्जी है, एक पावर है। श्वासों के साथ भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव। यदि तुम जप करना हो तो ओम ओम का जप करो। इसी को विपश्यना ध्यान भी कहते हैं। प्राणों के साथ तुम भीतर तक स्पंदित हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो। भीतर तक एक कोमलता आती है, प्रेम जागता है, मैत्री भाव जागता है। भीतर तक तुम स्पंदित हो जाते हो, आह्लादित हो जाते हो। मौन निर्विकार निर्विचार हो जाते हो। और जब भीतर से पूरी तरह खाली हो जाते हो, तब भगवान अपने अमृत से, अपने ज्ञान से, अपने शक्ति से तुम्हें भर देता है। विश्राम, रुक जा, देखो आंखें खोल। आपको हमने बताया ये प्राणायाम का तरीका। जैसे ही आप ये करते हो ना, तो मन अपने आप ही शांत हो जाता है। ये मेरी कहने की बात नहीं, ये तुम्हारी अनुभूति बनकर के स्वयं बोलता है प्राणायाम। देखो ये तो बढ़ने वाले बताए थे आपको। प्राणायाम का परिणाम व्याधियों की निवृत्ति, समाधि की प्राप्ति, ध्यान मेडिटेशन अपने आप लगने लगता है। अब छोड़ने वाले बताते, फिर दो चार नए प्राणायाम सिखाते, उसके बाद थोड़े आसन बताते हैं और फिर पूरा करवाते हैं मस्ती के साथ। अब देखेंगे तो सब कुछ बदल गया, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तुम निरहंकारी हो जाओगे। अहंकार मिटा तब ओंकार पर कट हो जाएगा। आओ जरा अभी दो प्राणायाम और करा देते, कैसे जिंदगी आपके विचारों से, आपके स्वभाव से, आपके संकल्प से आपकी जिंदगी बन रही है। देखो ये जीवन बड़ा विचित्र है, लोग जिंदगी के बारे में बहुत गहरे से नहीं सोचते, इसलिए जिंदगी में उत्कर्ष तक नहीं पहुंचते और शांति नहीं पाते, मान नहीं बन पाते। यदि आप थोड़ा सा मन के प्रति सजग हो जाओ, थोड़ी सी विचारशील, विवेकशील, सजग, जागरूक हो जाओ, इसी का नाम तो योगी होना है, और क्या होना है। जो सजग हैं, जो जागरूक हैं, जो विवेकशील, जो होश में रहते हैं, वे महान बन जाते हैं, वो योगी बन जाते हैं, वे महापुरुष कहलाते हैं, वो समाज का, परिवार का नेतृत्व करते हैं, वो व्यापार करते हैं, वो दुनिया को चलाते हैं। आपके संकल्पों का परिणाम है ये सारी दुनिया। बहुत सहज है जिंदगी को समझना, बस थोड़ा सा एक बार अभी पहले मेरे साथ प्राणायाम कर लो, फिर यही समझाएंगे। देखो पहले भरने वाले बता दिया आपको, अब छोड़ने वाले बताते हैं। अब छोड़ रहे, छोड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कंधे नहीं हिलेंगे, कंधे हिला रहे हैं कुछ, ये शुरू हो जाता है। नौ, क्या हिलना है, खाली सांस को छोड़ना है। तुम कुछ मत हिलाओ, जो हिलता है उसको हिलने देना। फिर सांस छोड़ोगे तो पेट हिलेगा और कुछ हिल ही नहीं सकता।
एकदम सिंपल तरीका, और ये बहुत जरूरी है। अब मैं अपनी वही बात पर आता हूं जहां से मैंने शुरू किया था कि हृदय से भी ज्यादा जरूरी है लीवर एंड इंटेस्टाइन का, किडनी का स्वस्थ रखना। यदि आपका लीवर ठीक है, यदि आपकी आंतें ठीक हैं, यदि आपके गुर्दे ठीक हैं, गुर्दे यकृत, यकृत लीवर को बोलते हैं, लीवर शब्द सबको जुबान पर चढ़ा हुआ, यकृत बोले तो सब बोलेंगे यकृत क्या होता है, यकृत लीवर को बोलते हैं, यकृत वृक्क, वृक्क बोलते हैं किडनी को, और आंत, आंतें तो सबको पता रहता है, बार बार शब्द प्रयोग में आता है, इंटेस्टाइन, आंतें, यकृत, लीवर, वृक्क, गुर्दे, किडनी, किडनी, लीवर, आंतें, उन सबको क्रियाशीलता मिलेगी। तो क्रियाशीलता मिलने से क्या होता है, आंतें दो काम करती हैं, जो आपने खाया उसमें से जो भी तत्व भीतर गए, जो शुगर गई भीतर, कार्बोहाइड्रेट गया भीतर, प्रोटीन गया भीतर, विटामिन गए भीतर, फैट गया भीतर, मिनरल्स गए भीतर, उनको एब्जॉर्ब करती है। हम दो जो है दो तरह के ऑब्जर्वेशन को बढ़ाते हैं, एक तो फेफड़ों से ऑक्सीजन के एब्जॉर्वेशन को बढ़ाते हैं, और आंतों से रस को, जो डिफरेंट प्रकार के आपके शरीर के अंदर आहार गए, उन आहारों को की ग्राह्यता आंत ठीक से करे, और जब उनसे रस ले लेती है उसके बाद उनको छोड़ दे, आंतों से चिपके ना रहे, ये दो काम का हो गए तो तुम ठीक होगे। बस बहुत छोटी सी बात और सबको समझ में आ जाती है। आते हैं वो लेकर के लीवर के पास भेज देती है, लीवर फिर जहां जरूरत होती है जिस चीज की वहां उसको सप्लाई करता है। हर एक सेल को एक आंख होती है, जैसे ये आंख है ना, बाहर देखती है, इन्हीं आंखों से काम नहीं चल जाता मेरे भाई, ये तो बाहर के देखने का काम करती है, भीतर शरीर में कौन देखता है। हर एक सेल को एक आंख होती है, हर एक शरीर सेल का एक ज्ञान होता है, ये ज्ञान इंद्रिया केवल, ये ठीक है कि पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख रूप को देखती है, नाक घ्राण करता है, सूंघता है, रसन रस सकती है, कान शब्द को सुनते हैं, त्वचा स्पर्श करती है, शब्द स्पंध, ये बाहर का ज्ञान है, लेकिन भीतर बॉडी का जो हर एक सेल है ना, उसका एक सेल्फ नॉलेज है, और वो सेल्फ नॉलेज जब गड़बड़ हो जाता है तो क्या बोलते हैं मेडिकल साइंस में, बोले तेरे भीतर का सिस्टम गड़बड़ हो गया, अंदर ही सेल तुम्हारे सेल को खत्म कर रहे हैं, कैंसर हो गया, बाल उड़ गए, क्या हो गया, बोले अंदर के सेल पागल हो गए। ये आदमी पागल हो गए भीतर तक, बाहर से तो पागल है ही, भीतर तक पागल हो गया, तो भीतर तक पागल पनाया तो बीमारी हो गई। अब सारे सेल तुम्हारे ठीक हो जाएंगे भीतर तक, तुम तो करना ही बंद कर देते हो मेरी बातें सुनते सुनते, ये बात नहीं बनेगी जो मैं कह रहा हूं। वो पूरा तब समझ में आएगा जब तुम इसको ठीक से करोगे, जब करोगे नहीं तो मैं कहूंगा वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो प्राणायाम का परिणाम है, और प्राणायाम का परिणाम तुम्हें तब विदित तो होगा जब तुम खुद अभ्यास करोगे। अब क्या हो रहा है जरा देखो, आंतों की ताकत बढ़ रही है। मैं छोटी सी एक बात कहता हूं कि तुम्हें हाथों को मजबूत करना है तो क्या करो, हाथों की उंगलियों को योर यो करो, हाथों की उंगलियां मजबूत हो जाएंगी। यदि आपको भुजाओं को मजबूत करना है तो क्या 10-20 किलो वेट लेके ऐसे ऐसे उठाओ तो क्या होगा, तुम्हारे भुजाएं मजबूत हो जाएंगी। भुजाएं तो मजबूत की इसने, जंघाएं तो मजबूत की इसने, वेट लिफ्टिंग किया, दंड बैठक लगाई, एरोबिक्स किए, जिम गया, ये बना लिए, ये बना लिए, ये पुट्ठे बना लिए, ये पट्ठे ने अपनी जंघाएं बढ़िया बना ली, लेकिन मेरे भाई ना ये काम आती है ना ये काम आता है, काम आता है लीवर,
काम आती हैं, आते हैं तेरे शरीर के सिस्टम को चलाने के लिए, वो सब करते करते इसकी आंतें और गड़बड़ हो गई। मेरे भाई इसको ठीक रख, वो इसी से ठीक होगा। झटका लगा, एक ही झटके में तेरा कल्याण हो जाएगा। कर, बिल्कुल सिंपल है। इसका एक परिणाम तो ये होगा कि जो तुम खाओगे सब हजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।